दर्शन चैनल की ओर आप सबका स्वागत है। क्रिसमस में प्रियजनों, पुनरुत्थित प्रभु यीशु के अनुग्रह, आशीष, शांति, प्रेम सब ईस्टर मनाने के साथ समाप्त नहीं होता है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 21 और 22 में हम देखते हैं कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु शिष्यों को दिव्य दर्शन देते हुए कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, जिस तरह मुझे पिता ने भेजा उस तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। 22वें वचन में हम देखते हैं, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। पवित्र ग्रंथ में हम देख सकते हैं कि ईसाइयों का जीवन ईस्टर मनाने में ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि आगे भी जारी है, विशेषकर पेंटेकोस्ट पर्व तक, जिसमें एक व्यक्ति का नवीनीकरण होता है। प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद शिष्यगण डरते कांपते हुए बिखर गए थे, लेकिन पवित्र मां मरियम उन्हें एकत्रित करते हुए लगातार प्रार्थना किए। बराबर 9 दिन के प्रार्थना के दौरान पेंटेकोस्ट का दिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आ गया और वे सब नए जीवन प्राप्त किए हैं। प्रेरित अध्याय 2 पद संख्या 4 में आप देख सकते हैं कि वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पेंटेकोस्ट के दिन वे सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, परिपूर्ण हो गए हैं। क्रिसमस में मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु हमारी ओर देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। हमारी ओर देखते हुए फूंक कर हमसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तो आइए, इन दिनों में हम भी पेंटेकोस्ट पर्व की तैयारियां कर रहे हैं। विशेष प्रार्थनाएं, परित्याग, उपवास, संस्कार को बार बार ग्रहण करना इत्यादि कार्यों से आइए हम भी अपने आप को तैयार करें एक नए जीवन प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण अभिषेक प्राप्त करने के लिए आइए हम भी कोशिश करें। जय श्री।